हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। हमारे पास एक जग एम्पलीफायर रिपेयर होने आई हुई है, जो कि आप देख सकते हैं। ये हमारा 30-55 पॉइंट ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। इसकी हालत देख सकते हैं, तारों को इस तरीके से इसने जला दिया, पूरे तार जले हुए हैं। इसे क्या दिक्कत आई है? ये सुपर मी कंपनी की है, जो कि आप देख सकते हैं। इसे खोल के हम देखेंगे इसमें क्या दिक्कत है। इसके हम पेंच खोल रहे हैं, तीन इस तरफ पेंच है, तीन इस तरफ होंगे। इसके सारे पेंच खोल लिए हैं, उसके बाद में इसका बैक कवर को अलग कर देंगे। इसमें अब हम देखेंगे कोई चीज़ फिजिकल से टूटी हुई नहीं है, कोई तार कुछ जला हुआ अगर दिखाई दे इसे देखेंगे। इसमें कोई फिजिकल चीज़ दिखाई नहीं दे रही है खराब, तो हम इसे टेस्ट करके देखेंगे। इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, ये हमारा कन्वर्टर सेक्शन है। ये हम 12 वोल्ट देते हैं, ये हमारा 24/0/24 कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद में ये हमारा एम्पलीफायर बोर्ड है। अब पहले हम इसके कन्वर्टर सेक्शन को चेक करेंगे, इसमें वोल्टेज बन रहे हैं या नहीं। इसके कन्वर्टर सेक्शन को हम खोल लेंगे। इसके सारे पेचों को खोल लिया है, इसके कन्वर्टर को अलग कर लेंगे। इसके बोर्ड को भी खोलना पड़ेगा, तब जाके तार पूरे मिल पाएंगे। इसकी टाई को हम काट लेंगे। इस बोर्ड को निकाल देंगे, सारा कनेक्शन अंदर खींच लेंगे। आप बॉक्स देख सकते हैं किस तरीके से बोर्ड रिपेयर हुआ है। किसी ने इसके सारे ट्रांजिस्टर को चेंज किया, हमें लग रहा है सारे ट्रांजिस्टर देखिए चेंज मुझे मालूम हो रहे हैं। इसके कुछ देखिए आप, यहाँ पे प्रिंट भी फटे हुए हैं, इधर भी देखिए पूरा गंदी तरीके से किसी ने इसे रिपेयर किया। ये सारे ट्रांजिस्टर किसी ने चेंज कर दिए, और ये 30-55 में मुझे लग रहा है किसी ने चेंज किया है। सारे ट्रांजिस्टर को किसी ने चेंज किया। चलो उसे हम देखते हैं इसमें क्या दिक्कत आई। पहले हम इसके कन्वर्टर सेक्शन को चेक करेंगे, इसके बाद में बोर्ड पर काम करेंगे। ये जले हुए बारों को हम चेंज कर देंगे। ये हमारे बैटरी के तार हैं, हटा देंगे हम, नया तार लगा देंगे। अगर तार भूल जाएं गलती से अलग हो तो इस कंडेंसर को देख लें, इसके कंडेंसर को माइनस की जगह माइनस और प्लस की जगह प्लस लगा दें। इसके बाद में हम सप्लाई को अलग कर देंगे, प्लस हटा देंगे और ये हमारा माइनस, इसे हटा देंगे, ग्राउंड को लगा लेंगे। इसमें हम सप्लाई देके देखेंगे इसमें वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं। जैसे मैंने इसमें करंट दिया, आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारा
बाहर को जला दे रहा है। इससे कन्वर्टर सेक्शन में दिक्कत है, पहले इसके कन्वर्टर सेक्शन में काम करेंगे बिल्कुल, इसके बाद में बोर्ड में। इसके हम मॉस्फेट को चेक करेंगे, देख सकते हैं हमारा मॉस्फेट पूरी तरीके से शॉर्ट है। इन दोनों मॉस्फेटों को चेंज करके फिर हम देखेंगे इसमें क्या दिक्कत है। तो इसको निकाल देंगे, नया मॉस्फेट लगा देंगे। हमारा मॉस्फेट निकल चुका है, ये हमारा P55 करके मॉस्फेट है। इसमें हम नया मॉस्फेट लगा दें, दोनों मॉस्फेटों को चेंज कर दें। हीट सिंक पर टेस्टर को अच्छी तरीके से कस लेंगे, कसने के बाद से लगा देंगे। पेंच को कसते हैं, उसके बाद में हम इसमें लाइन देख के देखेंगे, देख सकते हैं इसमें कोई स्पार्क नहीं रही। अब हमारे वोल्टेज बन चुके होंगे, मीटर को रख देंगे, यहाँ पे हम ग्राउंड लगा देंगे, यहाँ कहीं लगा सकते हैं। इसके बाद में वोल्टेज चेक करेंगे, ये देखिए हमारी 26 वोल्ट है और इधर हमारी 39 वोल्ट के करीब है। अभी भी इस कन्वर्टर में कोई ना कोई दिक्कत है, हम इसे चेक करेंगे कहाँ से दिक्कत आ रही है। एक साइड 26 वोल्ट, एक साइड 39 वोल्ट, फिर से लगा कर देखेंगे। अभी 26 वोल्ट ही आ रहे हैं, 26-27 वोल्ट के करीब, और इधर हमारे 40 वोल्ट बन रहे हैं। हो सकता है हमारा कंडेंसर वीक हो, शॉर्ट करके भी देख लिया। इधर हमारे 24 वोल्ट रह गए, 31 वोल्ट हमारे, देखिए 32 वोल्ट हो गए, 33, इधर 25-26। इसके हम डायोड को चेक करेंगे, ग्राउंड को भी निकाल देंगे। इसको हम डायोड मोड पे ले जाएंगे, मीटर को इसके डायोड को चेक करेंगे। मुझे डायोड एक ओपन दिखाई दे रहा है, फिर से चेक करेंगे शॉर्ट करके, इस पर शॉर्टिंग हटाएंगे। फिर से ऐसे डायोड को चेक करेंगे, देख सकते हैं हमारा डायोड सही दिखाने लगा। सारे इसके डायोड सही हैं,
मुझे इसकी आईसी दिक्कत लग रही है, फिर से इसमें वोल्टेज देख के देखेंगे कोई दिक्कत सही हुई नहीं। इसके मॉस्फेट पर हम वोल्टेज चेक करेंगे, अगर मॉस्फेट पर वोल्टेज गलत आएंगे तब हमारी आईसी दिक्कत होगी। यहाँ से देखिए हमारे लगभग 41 वोल्ट के करीब 42 वोल्ट है, इस साइड में 41-42 वोल्ट है, हमारे गेट पर वोल्टेज सही आ रहे हैं। इधर 10 वोल्ट मिल रहा है, यहाँ पर कुछ वोल्टेज मुझे गलत मालूम हो रहे हैं। ट्रांजिस्टर को हम दोबारा टाइट करेंगे, कुछ हो सकता है लोजिंग की वजह से दिक्कत हो, फिर से हम इसमें वोल्टेज देंगे। इधर हमारे 10 वोल्ट बन रहे हैं, ये हमारे 2 वोल्ट बन रहे हैं, इसी के चक्कर में यहाँ देखो 40 वोल्ट जा रहे हैं, यहाँ 26 वोल्ट जा रहे हैं। मुझे लग रहा है इसकी आईसी में ही कुछ दिक्कत है, फिर मैंने इसे ट्रांजिस्टर को चेंज करके फिर देखा, इसमें हमारे वोल्टेज लगभग पूरे बन चुके हैं। देखिए हमारे 10 वोल्ट, ये 9.8 वोल्ट, ये हमारे 10 वोल्ट करीब पूरे बन चुके हैं। अब वोल्टेज को मैं चेक करूँगा, 26 वोल्ट, ये हमारे 34 वोल्ट के करीब। इसके ट्रांसफार्मर में इंटर टर्न कम ज़्यादा हैं, सारे ट्रांजिस्टर मैंने चेक किए, आईसी भी चेक किया, आईसी भी सही है, इसके ट्रांसफार्मर में इंटर में कोई दिक्कत नहीं। चलो इसमें हम लोड डाल के देखते हैं, कोई वोल्टेज में दिक्कत नहीं है। फिर मीटर को बीपिंग लाइन पर लगा के इसके ट्रांजिस्टर पहले चेक करेंगे, देख सकते हैं एक मेरा ट्रांजिस्टर पहला मुझे सही मिला, दूसरा भी सही मिला, ये ट्रांजिस्टर मुझे तीसरा वाला दिक्कत मालूम हो रहा है। ये पांचवा ट्रांजिस्टर, दो ट्रांजिस्टर मुझे खराब मिले, इन ट्रांजिस्टरों को चेंज करेंगे। ये हमारे पुराने ट्रांजिस्टर में चेक करेंगे, देख सकते हैं पहला वाला फुल शॉर्टिंग आ रही है, दूसरा वाला चेक करेंगे, इसमें 170, 166, ये दोनों ट्रांजिस्टर हमारे ख़राब हैं, इसकी जगह हम नया ट्रांजिस्टर लगाएंगे। देख सकते हैं ये हमारे दोनों नए ट्रांजिस्टर हैं, देखिए इसमें कितनी रीडिंग आ रही है हमारे पुराने वाले में, ये देखिए बीपी है, आप देख सकते हैं दोनों ट्रांजिस्टर बीपी है। ये 170
इसमें नया टंगस्टन लगा देंगे, फिर इसे ऑन करके देखेंगे। मैंने इसकी दोनों टंगस्टन चेंज कर दिए हैं। सारे दोनों टंगस्टन चेंज करने के बाद इसमें हम स्पीकर को कनेक्ट करेंगे। इसमें लाइन देके देखेंगे क्या दिखता है। FM mode. तो हमारी एम्पलीफायर पूरे तरीके से रेडी हो चुकी है। AUX mode. Bluetooth mode. अब इस एम्पलीफायर को हम पूरे अच्छे तरीके से बांध देंगे, सेट कर देंगे, तो उसके हम आपको वोल्टेज दिखाते हैं। FM mode. AUX mode. Bluetooth mode. FM mode. अब आप इसके वोल्टेज एक बार फिर से देखें। इसके ट्रांसफार्मर में ये दिक्कत है। देखिए इधर मेरे 20 वोल्ट मिल गए हैं, इस साइड भी 20 वोल्ट मिल गए हैं, हमारा वोल्टेज भी पूरे हो गए हैं। इस तरीके का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। कमेंट में जय श्री राम लिखें। इसे हम पूरे आप अच्छी तरीके से बोर्ड को कस देंगे।